देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। आगरा नेशनल हाईवे के आमोली टोल प्लाजा पर भरतपुर के बहुचर्चित भाजपा नेता कृपाल जघीना हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर कुलदीप जघीना की हत्या के मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को रिमांड अवधि खत्म होने पर सोमवार दोपहर को भारी पुलिस बल के साथ बयाना ACJM कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि भरतपुर शहर में 10 माह पहले भाजपा नेता कृपाल जघीना की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह और उसके साथी विजय पाल को पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए जयपुर सेंट्रल जेल से भरतपुर रोडवेज बस में गत 12 जुलाई को लेकर आ रही थी। आमोली टोल प्लाजा पर हथियारबंद बदमाशों ने कुलदीप को गोलियों से छलनी कर दिया था। घटना में विजय पाल भी गोली लगने से घायल हो गया था। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सुपा गांव से मुठभेड़ में चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। मुठभेड़ में दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे। SHO हरिनारायण मीणा ने बताया कि चारों आरोपियों उद्योग नगर थाना क्षेत्र के गांव अजान निवासी विष्णु उर्फ बौना जाट, सेवर थाना के मालीपुरा निवासी बबलू गुर्जर, लुल्हारा निवासी सौरभ, सुखावली निवासी धर्मराज को रिमांड अवधि पूरी होने पर सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दे दिए गए। सत्यमेव न्यूज के लिए बयाना से देवी सिंह प्रजापत की विशेष रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहां बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।